भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर के कुछ रघुवरवादी नेताओं ने राज्यपाल महोदया से मिलकर मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते समय मैंने कई घोटाले किए हैं। मैं राज्यपाल महोदया से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो इसकी जांच करा लें और राज्य के मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव जी से मैं मांग करता हूं कि राज्यपाल को इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो आपके पास आता है तो जितना जल्दी हो इसके बारे में आप वस्तु स्थिति राज्यपाल महोदया को बता दीजिए, एक जांच रिपोर्ट उनको दे दीजिए। अपनी तरफ से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तीन बड़े नेता हैं, श्री अर्जुन मुंडा, श्री बाबूलाल मरांडी, श्री दीपक प्रकाश, ये तीनों मिलकर एक साथ या इसमें से किसी एक को अधिकृत करके अलग अलग से इस मामले की जांच कराने, वे जांच के लिए तैयार होते हैं तो मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप इस मामले से संबंधित फाइल विभाग में पड़ी हुई है उस फाइल को इनको दिखा दीजिए, इनको ससम्मान बुलाइए कार्यालय में और पूरी फाइल दिखा दीजिए ताकि ये जांच कर लें। दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि सीबीआई को दे दें, माननीय अमित शाह जी गृहमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये उनसे कहें और मैं भी उनको लिखकर दूंगा कि आपके पार्टी के कुछ भारी भरकम नेताओं ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है तो आप कृपा करें इसकी जांच सीबीआई से करा दें। अब मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच कराने के लिए तैयार हूं और बार बार ये आरोप दोहरा रहे हैं, पहले उपायुक्त को ज्ञापन दिया था, अब माननीय राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, इसी तरह से चले जाएं, गृहमंत्री अमित शाह जी को भी ज्ञापन दे दें, मेरा भी पत्र देते जाएं कि मैं इसके लिए तैयार हूं अमित शाह जी, आप इसकी जांच करा दीजिए। अब जो आरोप इनके नेता, इनके संरक्षक श्री रघुवर दास जी के ऊपर लग रहे हैं, विधानसभा निर्माण में घोटाला है, हाईकोर्ट के निर्माण में घोटाला है, मेनहार्ट का घोटाला है, टॉफी टी शर्ट सुनिधि चौहान के प्रोग्राम का घोटाला है, इन सारे घोटालों में जब जांच आगे बढ़ रही है तो ये बौखला गए हैं और इनको कौन मिला ज्ञापन देने के लिए, तो योग्य पिता के योग्य पुत्र श्री गुंजन यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में ऐसे ऐसे लोग राज्यपाल महोदया के पास गए हैं जिन्होंने अवैध जमीन कब्जा करके उस पर आलीशान मकान बनाया है, उनकी आमदनी का स्रोत क्या है वो ये बता दें। मैं अपनी तरफ से अपने ऊपर लगे आरोपों के जांच में सहयोग करने सरकार को, अमित शाह जी को, देश के गृहमंत्री को मैं अपनी तरफ से चिट्ठी पहले भी लिखा हूं।